अस्सलाम वालेकुम, क्वेटा कनरिबर्स की तरफ से आप दोस्तों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, बहुत से भाई लोग सवाल करते थे कि आप क्या क्या खिलाते हो अपने शायरे को। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मिक्स सीड है, जो लोकल सीड है, हर जगह पे मिलती है। तो इसमें काले बीज, बंग और सफ़ेद बीज, और ये एक और सीट से जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, ये जो यहाँ पर मिल रहा है इसको ईरानी दाना बोलते हैं, ईरानी सीट्स बोलते हैं। ये भी मिलते हैं हर जगह पर लोकल, पहले तो नहीं था, अभी लोकल हो गया। ये भी हर जगह पे बासानी मिलता है। इसमें भी इसी तरह की बहुत मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मिक्स है, जो कि सर्दी में सैरे या परिंदों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आज मैं अपने भाइयों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता था कि दोस्तों ये काले बीज आप देख सकते हैं। दोस्तों आप बहुत से भाई लोग सवाल करते थे कि हमारी सहरा जो है वो बंग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप कोशिश करो, अगर आपके इलाके के मुताबिक या आपकी जगह मौसम गर्म है या ठंड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप सैरे को बंग खिला सकते हो। बंग एक ऐसी चीज़ है जो सर्दी में भी फ़ायदेमंद है और गर्मी में भी फ़ायदेमंद है। इसको आप दोस्तों के साथ में जिसकी एक नई ट्रिक आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत से भाई लोग सवाल करते थे कि हमारी सैरा या बर्स जो है वो ये नहीं खा रहा है, ये बंग नहीं खाता थे। तो दोस्तों आप कोशिश करो, उसको पहले आप पानी में भिगो के रखो 24 घंटे के लिए, उसके बाद उसको खुश करो, फिर आप उसको बआसानी खा सकते हैं। अभी जो बंग होते हैं वो सख्त होते हैं, तो बहुत सी जो बच्चे सैरे या बर्स में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर उसको खा नहीं सकते या तोड़ नहीं सकते। तो इस वजह आप कोशिश करो, उसको पानी में या तो उसको उबाल दो 10-15 मिनट के लिए, उसके नीचे आग लगा कर उसको टाइट उबालो, तो वो भी नरम हो जाएगा। अभी मैं बंग के साथ मैंने काले बीज भी इजाफा किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने भाइयों के लिए वीडियो इसलिए बनाया था कि आप दोस्तों इससे फ़ायदेमंद रहे। दोस्तों आप उसको कोशिश करो, 24 घंटे पहले उसको पानी में रखो, 24 घंटे के बाद उसको पानी से अलग करके उसको खुश करो, फिर अपनी बर्स या सायरा जो भी हो वो आसानी से खाएगा। फिर ये बंग जो है बहुत फ़ायदेमंद भी है, परिंदों के लिए मस्ती भी देता है और ये उसकी सेहत के बारे में, इसके सेहत का भी ख्याल रखता है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं तो अपनी बर्स को इसी तरह मिक्स दाने भी खिलाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ उसको बंग देता हूँ। दोस्तों बंग ऐसी चीज़ें जो सैरे को सिंगिंग पे लाता है और वो आसानी से, फिर अगर कोई ब्रीडिंग के बारे में भी सैरा या बर्स से ब्रीडिंग लेना चाहता है तो वो भी कोशिश करे, बंग दे दे तो मस्ती में आएगा, तो आसानी से फिर ब्रीड भी करेगा। अगर सिंगिंग करना चाहता है, सिंगिंग पे लाना या स्टार्ट करना चाहता है, तो वो फिर स्टार्टिंग में भी आएगा। ये आप देख सकते हो बच्चे, दोस्तों एक बच्चा है सैरे का, आप देख सकते हो दोस्तों, ये रात की वीडियो है, बिल्कुल मस्त है, गा रहा है आप दोस्तों के साथ। इस वजह से मैं फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो आप दोस्तों के लिए मैंने बनाया हुआ है। दोस्तों तो दोस्तों आप कोशिश करो कि बंग, अगर इलाके में गर्मी है फिर भी बंग जो है वो ठंड, गर्मी में वो ठंडी होते हैं और उसकी जो परिंदों की सेहत का भी ख्याल रखता है, और अगर सर्दी हो तो और भी सही है, परिंदों को मस्ती देता है और सिंगिंग खिलाता है। ये भी आप देख सकते हो दोस्तों, एक और सैरा है जो माशाल्लाह, ये भी अभी हल्की हल्की गा रहा है। तो दोस्तों बंग एक ऐसी चीज़ है जो कि इन सब दानों में से, या कुछ लोग इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं और तजुर्बे कहते हैं, उन सब से बंग जो है फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों कोशिश करो, बंग खिलाते रहो।